जो जिस आंटी के घर में जा रही हूँ वो माशाल्लाह से मैरिड है और उनकी माशाल्लाह इस टाइम हम सेवर फूड पे हैं बिरयानी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब आए अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम हैं लोहड़ी व्लॉगर्स और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ठीक ठाक है। जैसा कि आपको पता है हमारी तो हमेशा ही होती है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, जो भी रोज़गार अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत अता करे, जो भी घर अल्लाह ताला उनको अपना घर दे और जो भी औलाद अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। और जैसे मेरे माँ बाप, जैसे मेरे सास ससुर हैं रमज़ान बड़े का पाक महीने में, यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसे दे, अल्लाह ताला सब बहनों बेटियों के सब भाइयों बेटों के नसीब अच्छे करें और जो अब बेगुनाह जेलों में हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द रिहा करें। तो इन्हीं भरपूर दुआओं के साथ आज का हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का हमारा ब्लॉग होगा, आज मैं जा रही हूँ आंटी की तरफ, उनको ईदी देनी थी तो आज हम उनकी तरफ जा रहे हैं और वहाँ की आपसे रूटीन शेयर करेंगे। तो इस टाइम मैं रेडी हूँ, सब रेडी हैं, मामा अदनान मैं, हम तीनों उधर जा रहे हैं। तो मिलते हैं, आपने हमारी आज की पूरी वीडियो वॉच करनी है तो अब हम उधर क्या आज आपसे रूटीन शेयर करेंगे। तो जो जिस आंटी के घर में जा रही हूँ वो माशाल्लाह से मैरिड है और उनकी माशाल्लाह से एक बेटी भी है, तो उनके लिए हम लेके आए ये प्योनिया और साथ में आंटी का सूट लेके आए हैं, वो आंटी को देंगे सूट, ये येलो कलर में, ये गले पे कढ़ाई हुई है और ये उनकी बेटी का सूट पै, ये है जीन्स है साथ और साथ में इसके ऊपर फ्रॉक है शॉर्ट, तो ये भी काफ़ी प्यारा सूट है। और अब हम उनकी तरफ जाने लगे थे, तैयारी हमारी कंप्लीट थी तो आज हम उनकी घर की रूटीन आपसे शेयर करेंगे कि, और आंटी तो खैर वीडियो में नहीं आएंगे, अगर अंकल हुए तो उनको मैं ज़रूर लेके आऊँगी, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगी, तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ। जैसा कि आपको बताया था कि मैं आज अपनी आंटी की तरफ जा रही हूँ, तो हम उनके घर पहुँच चुके हैं और साथ में मामा भी आई हैं, मामा जी अदनान और मामा आई, दोनों मामा आई आज। आज मदर डे है ना, तो इन दोनों ने जो है हमें सरप्राइज गिफ्ट दिए। मामा जी मैंने आपको मैसेज किया था, वो सुबह वो कहते जवाब दो ना, जवाब दिए मैंने देखा नहीं आपने, मैंने भी कहा थैंक्स, मैं थैंक्स लिखे ना मैंने, हमने चुम्मियां भी मैं भेजी। अच्छा, और इन्होंने मुझे जो है ना रात को मैसेज किया और मैंने जो है ना सुबह मतलब कहा थैंक यू, तो ये मुझे कैसे कहती है कि ऐसे नहीं कि मैंने मोबाइल भी भेजी, मोबाइल भी भेजी। हाँ तो सही है, मोबाइल पे मैसेज भेजे तो मोबाइल पे भेजे ना। तो आंटी भैया सो रही है, अभी क्या सो रही है, इनकी जो बेटी मैंने आपको बताया था माशाल्लाह से एक बेटी है, तो वो अभी सो रही है, वो भी बड़ी शरारती है, अभी हम उसको भी आपको दिखाते हैं। रूम टूर जरा करवा देती हूँ, तो ये कमरे में एंटर होते ही इन्होंने ये रखा हुआ है इसके स्टैंड वाली और साथ में एक सेफ अलमारी है, सेफ अलमारी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और वो अल्लाह मोहम्मद उनके माशाल्लाह से नाम और साथ में लोहे कुरानी और नीचे बेड है, साइड टेबल है और ये आंटी की ड्रेसिंग, और ये फ्लावर इन्होंने रखे हैं, ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये छोटी छोटी चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, और ये आंटी का शकेस, ये देख, और साथ में इन्होंने चेयर्स रखी हैं जहाँ पे मामा अदनान और मामा बैठे हैं सारे, और ये एलसीडी, ये भी अलमारी बनी हुई है। तो यहाँ से इनका रूम ख़त्म हो चुका है। ये बाहर का ऐसे एंट्रेंस है इनकी, यहाँ से ये किचन साथ में और साथ में एक ये रूम है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम आंटी के घर गए हुए थे आज उनको ईदी देने के लिए, तो उनके उनको ईदी भी दे आए हैं, अंकल जो थे वो काम पे थे, उनसे बात वगैरह नहीं हो सकी, वो दूर काम पे लगे हुए थे, वो नहीं आ सके,
तो छोटी भी सोई वो भी नहीं उठी, तो हम यानी कि आंटी से मिल के और उनके घर वालों से मिल के हम आ गए हैं। तो आप देख रहे होंगे अभी हम यानी कि अदनान और मामा आए हैं और फ़ौरन जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जाना था चीज़ें वगैरह लेने कुछ बाइक की और किसी काम से भी जाना था, तो अब देखते हैं वो तो जाने लगी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि हम घर आ चुके हैं, तो अब मामा वगैरह आएंगे तो फिर हम आपसे बात करते हैं। इस टाइम हम सेवर फूड पे हैं बिरयानी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब आए चला है कि यहाँ पे सीटिंग जो है ऑफ कर दी है, पैक करके दे रहे हैं होम के लिए। अब हम यहाँ से लेके घर जा रहे हैं, सीटिंग तो ऑफ है। चले देखते हैं, अब घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सीटिंग तो ऑफ है। इस टाइम हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है, भाई लेके आ चुके हैं, थैंक यू। अभी हमने ले लिया, हम घर जाएंगे। हमारा सामान अब आ चुके हैं वापस, तो वो लेके आए बिरयानी, कबाब बिरयानी और साथ में सलाद वगैरह जो है वो मैंने निकाल दिया, और इसमें दही वाली चटनी वो मैं भी निकालती हूँ इस बर्तन में, और ये साथ में लेके आए हैं जर्दा, इसमें जर्दा है और इसमें कबाब बिरयानी तीन डब्बे। मदर डे है तो मैं ऐसा बात करती, ज़्यादा ऊँची नहीं बात करूँगी, और आज हम मामा का सरप्राइज़ दे रहे हैं अदनान और मैं, मामा दूसरे रूम में है, और ये मामा के लिए फ्लावर वगैरह, और अब उधर जाके मामा खोल के आपको चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है? तो मामा के पास चलते हैं फ्लावर पकड़। अदनान और मैं दोनों हम सरप्राइज़ अब उस कमरे में चलते हैं। चलो 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 आपने अस्सलामु अलैकुम। कल थोड़ी आगे जा, हाँ ठीक है, हमारी माई ये जी है सिलवा के दिया, मम्मा को भी अच्छा लगता है। अच्छा वो भी बड़ी छुपी रुस्तम है, और ये सारे शीशे लगाए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, और कलर भी मेरी पसंद के हैं, नेवी ब्लू, और बहुत प्यारा है। कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद है सच्ची में। कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा, बहुत अच्छा सरप्राइज मुझे तो जो है ना, ये आपके लिए मास्क, ब्लू सूट और ब्लू कलर का मास्क मेरे लिए। क्योंकि कोरोना बहुत फैल गया कोरोना फैल गया, और आप लोग मुझे बताएं सच्ची में मुझे सूट बहुत अच्छा लगा, परफ्यूम भी मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा है, और ये मतलब कि ये मेरी एज की है ये आप सोचिए ये किसने वैसे लिया था, हम मैचिंग करके लाए हैं। अच्छा तो ये मैं लगाऊं? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और
आमीन। रात को वैसे इन्होंने मुझे कर दिया था 1 बजे और उसके बाद जो फातिमा स्टफ ने मुझे मैसेज किया था। पापी का भी चैनल है यूट्यूब पे फातिमा स्टफ के नाम से, उसको भी आप जाके लाजमी सब्सक्राइब कर। काफी मतलब पोएट्री पे उनका चैनल है। और मैं जब भी उनकी वीडियोस आती है मैं सबसे पहले जो है उनकी वीडियोस देखती हूं, हम सभी बड़े शौक से देखते हैं। और मेरे बच्चों ने बहुत ही मुझे यकीन नहीं, मामा काफी सैड होकर बैठी हुई थी, मुझे मतलब ना मैं अपने आप में बैठी थोड़ी देर तक नाराज हो जाना था हमारे फूल। और ये हकीकत थी, मैंने अभी ना मतलब मैं ये अभी नहीं क्योंकि मैंने जो है ना वो रात 12 बजे के बाद इनको जो है ना वो जरा सुनानी थी अच्छी टिका। जब इनके पता चला था ना कि दिन गुजर गया आज तो मतलब लेकिन ये बहुत अच्छा है चीजें बना दी। आंटी आपको पसंद आया? अच्छा वो मुझे ये अच्छा लगता है कोबरा, मुझे डर होता है सब को देख, आया है सब पे खड़ा हो जाऊंगा। ये तो आंटी जी जी मेरे बच्चों दसो थाने की मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ा पसंद आया, मेरे बच्चे ने याद किया ईद काणो या तेरे फोन लाए ये ना मतलब आज ने क्यों थाने दिता वे ए मामा को तोहफा देई दे माशाल्लाह मावां दे देन ने वैसे मावां दा भी कोई देन हुंदा भला हर देन ही मां दा हुंदा जे दिल दी ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी करो सो गड्डी दी ख्वाहिश है ए दी अल्लाह ताला कबूल करे। हां जी तो आप बताएं आप क्या करते हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सच्ची में मेरे दिल में जल्दी से तैयार हो जो अभी यही पहन लूं सच्ची में। ये पहने फिर व्यूअर्स को दिखाते हैं। नहीं इसके साथ लहदा से दुपट्टा लिया कि तो उसका नेट वाला था वो आपने। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि ये दुपट्टा क्यों मतलब ये तो अच्छा लगा। ये आपके लिए स्पेशल लिया है? नहीं चादर से कराई ये मेरे सूट के साथ एक चादर मेरे लिए अलग से लेके आते हैं ना आप लोग मेरे पास इतनी चादर है। चलो चले 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 चलो चादर नहीं नहीं चले 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 जितने भी बच्चे प्लीज प्लीज अपने जो है ना माँ का ख्याल रखिए, माँ बाप नहीं मिलते और सारी हर चीज यही रह जानी है और माँ बाप का ख्याल रखा करें। अपनी जिनकी बहनें हैं अपनी बहनों को जरूर याद किया करो और ईद पे उनके घर जरूर जाया करो। वो इतना कुछ नहीं लेंगी, आप खाली जाके 10 रुपए भी दे देंगे यकीन करके कुछ भी नहीं ना दे देंगे तो बहनें आपको देखकर इतना खुश हो जाएंगी ना, कोई भी भूखा नहीं होता। लेकिन एक आस होती है ईद वाले दिन की, हमारा भी कोई है तो मेरे भी आप सब लोग ही हो, मेरे बच्चे भी हैं आप सब भी मेरे अपने और आप भी हैं तो मेरा भी इनके साथ बड़ा अच्छा ईद का दिन गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। वैसे हर ईद ही मेरी ऐसे ही गुजरती है लेकिन चले। और सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एंड कर दो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखिए, तब तक के लिए नई वीडियो मिलते तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।